एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ मैं। जेडी साहब आज रात हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं। जेडी साहब हमारे यहाँ? दादी आपने इनवाइट किया उन्हें? हाँ बेटी, इनवाइट मैंने किया है, लेकिन मेरे कहते ही फौरन राजी हो गए। और उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर आकर खाना खाने की। 2000 रुपए देना, एक खाने पीने का सामान ले आऊं। मेरे पास कहाँ है 2000? वही तो है जो घर खर्च के लिए दिए। तो वो ही दे देना, इतने बड़े आदमी है, स्कॉच विस्की तो लानी पड़ेगी ना। अरे मुंह क्या देख रही हो, जाकर पैसे ले आओ। श्रद्धा। हाँ नंदिनी, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। अरे तू घर पे क्या कर रही है? यहाँ ना सब लोग हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, सब साथ निकलते। नहीं ना, मैं नहीं आ सकती। क्यों? अरे वो डैडी के दोस्त आ रहे हैं खाने पे, मुझे भी घर पे ही रहना पड़ेगा। सुन, मैं विजय को फोन करूंगी ना तो वो बहुत नाराज होगा। प्लीज तू मेरी तरफ से मना ले उसको। मैं क्यों मनाऊं? तेरा दोस्त है, तू मना। ये तू कैसी दोस्त है यार, तू इतना काम नहीं कर सकती मेरा। अरे मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तू ये मत भूल कि ये पार्टी विजय ने तेरे लिए रखी है। मैं क्या करूँ, फंस गई हूँ। सोच ले, प्यार के वादे कभी झूठे साबित नहीं होने चाहिए। अरे सच्चा प्यार किस्मत वालों को नसीब होता है। अरे तू इतनी खुश नसीब है कि तुझे विजय जैसा बेइंतहा चाहने वाला मिला है। अगर मुझे कोई ऐसा मिला होता ना तो मैं उसके लिए सारी दुनिया छोड़ देती। अरे जेडी साहब, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप हैं भगवान मेरे लिए। अरे मेरी फैक्ट्री लड़खड़ा रही थी, ताले लगाने की नौबत आई थी, एन वक्त पर आप आए हमारी मदद करने, आप हैं भगवान। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस बात को छोड़कर कोई और बात करें तो बेहतर होगा। आप जो बोलेंगे वही होगा। अरे ये पुत्र मैंने आपके लिए लाई थी, मैंने पी ली। वो क्या है ना जी साहब, वो बहुत दिनों के बाद स्कॉच मिली है ना इसकी। अरे क्या किया तूने? तेरे वजह से बोतल टूटी है ये। अब जड़ी साहब को क्या ऑफर करूं मैं? मिस्टर वर्मा, इट्स ओके। It's not okay, Jerry साहब। How is it okay? आप मेरे मेहमान हैं। आप यहीं बैठिए, मैं दूसरी बोतल लेके आता हूँ। आप यहाँ बैठिए, आप मेरे भगवान भगवान। इजाजत चाहूंगा। ऐसे कैसे, आपने खाना तो खाया ही नहीं। जेडी साहब खाना जाइए। माँ तुम इन्हें संभालो, मैं जेडी साहब को बाहर तक छोड़ के आता हूँ।